अब बात करते हैं कश्मीर 360 डिग्री की। जम्मू कश्मीर में कल 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के आखिरी फेज में 40 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसमें जम्मू की 24, कश्मीर की 16 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और तीसरा चरण ही तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में किसके सिर पर सत्ता का ताज सजेगा। कश्मीर रीजन में बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन यहां पर विपक्षी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ अन्य दलों का दबदबा माना जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि पार्टियों का ये गढ़ है। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर के सत्ता का फैसला करने वाला यह चरण सबसे क्रूशियल माना जा रहा है। तीसरा और आखिरी चरण जिस चुनाव में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी साबित हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस अलायंस दूसरे नंबर पर रह सकती है और नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी को बढ़त मिल सकती है। सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी यहां पर कमजोर स्थिति में है। एक तरफ जहां पर जम्मू वाले इलाके में बीजेपी और कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है, तो नॉर्थ कश्मीर वाले इलाके में एनसीपीडीपी के सामने इंजीनियर राशिद और सज्जाद लोन की पार्टी सियासी चुनौती बन गई है। इतना ही नहीं, इस चरण की सियासी बाजी जीतने वाले दल के हाथ ही जम्मू कश्मीर की सत्ता की चाबी लग सकती है, इसीलिए सभी दलों की साख दांव पर लगी है। आखिरी चरण में जम्मू रीजन में जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर समेत 24 सीटों और कश्मीर रीजन के बारामूला, बडगाम और कुपवाड़ा समेत 16 सीटों पर वोटिंग होगी। कश्मीर रीजन की 16 सीटों में कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट, सोपोर, उरी, बारामूला, गुलमर्ग, बांदीपुरा और गुरेज सीट शामिल है। ये गुरेज सीट बीजेपी के लिए कितनी अहम है आप ये भी समझ लीजिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। आखिरी फेज में गुरेज विधानसभा सीट को तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि थर्ड फेज में गुरेज एक ऐसी सीट होगी जहां पर बीजेपी कैंडिडेट की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। कश्मीर की गुरेज सीट पर बीजेपी कैंडिडेट फकीर मोहम्मद खान का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर अहमद खान से होगा। अगर फकीर मोहम्मद जीतते हैं तो पहली बार बीजेपी कश्मीर में अपना खाता खोल सकती है, यानी गुरेज सीट एक ऐसी अहम सीट बन गई है जहां पर पहली बार कमल खिल सकता है। दरअसल फकीर 1996 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़कर जीते थे। 2002 का विधानसभा चुनाव वो हार गए, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। 2008 और 2014 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े, लेकिन बहुत कम वोटों के मार्जिन से वो हार गए। 2014 में फकीर सिर्फ 141 वोट के अंतर से हारे और अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नजीर अहमद खान पिछले 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस गठबंधन कर चुनाव में है। कांग्रेस को जम्मू में अपनी ताकत दिखानी है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर घाटी में अपना दमखम दिखाना होगा। 2014 में बीजेपी जम्मू कश्मीर की सियासत में किंग मेकर बनकर उभरी है, तो उसमें जम्मू रीजन की सीटों का अहम रोल भी रहा है। दरअसल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि तीसरे फेज का चुनाव जम्मू डोमिनेटेड है। यहां पर कठुआ, जम्मू और उधमपुर खास सीटें हैं। जम्मू में बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। जम्मू वाले क्षेत्र की 24 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 19 सीट पर उसे कांग्रेस से मुकाबला करना पड़ रहा है और 5 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से दो दो हाथ करना होगा। जम्मू वाले इलाके में पीडीपी और कश्मीर की दूसरी अन्य पार्टियों का कोई खास सियासी आधार है नहीं। कांग्रेस के लिए जम्मू में पार्टी को फिर से जिंदा करना इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी इस बार जम्मू कश्मीर से अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन उसके लिए भी जम्मू में अपना दबदबा बरकरार रखना होगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर बीजेपी, कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। जिले की 4 विधानसभा सीटों में है उधमपुर पश्चिम, उधमपुर पूर्व, चेनानी और रामनगर, जो कि SC के लिए रिजर्व्ड है। थर्ड फेज की अगर आप हॉट सीट की बात करेंगे वो कौन कौन सी है। पहली कुपवाड़ा, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नासिर असलम वानी को मैदान में उतारा। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने सज्जाद गनी लोन और पीडीपी ने मीर मोहम्मद फयाज को उम्मीदवार बना दिया है। इसी तरीके से थर्ड फेज में लंगेट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख निर्दलीय लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला JKPC के इरफान सुल्तान से होने वाला है। बारामूला सीट हॉट सीट मानी जा रही है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद हसन बेग हैं, तो निर्दलीय शोएब नबी लोन चुनावी मैदान में है। निर्दलीय कैंडिडेट मुजफ्फर हुसैन बेग भी बारामूला से हैं। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद 10 साल बाद हो रहे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव वैसे तो हर पार्टी के लिए वजूद की लड़ाई है,
लेकिन बीजेपी के लिए यह चुनाव कितना अहम है उसे भी समझना होगा, क्योंकि आतंकवाद, रोजगार और नए कश्मीर के विकास की जो तस्वीर आज दिखाई देती है उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और इसमें कोई शक नहीं कि आज जो कश्मीर की जनता में उत्साह है वो पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग ने आचार संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 23 अधिकारियों पर कार्रवाई की भी की है। इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और इसके साथ ही ईडी ने करीब 130 करोड़ रुपए भी जब्त किए हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे 20 कर्मचारियों के ट्रांसफर भी किए हैं जिनके खिलाफ एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में काम करने की शिकायतें मिली हैं।